जय वाला जी की। और आज हम आए हैं खेरदा रिकों इंडस्ट्री सवाई माधोपुर, और यहाँ पे कोबरा बता रहे हैं रात के लगभग मेरे हिसाब से 9 बज गए होंगे, ज़्यादा बज गए, सवा नौ बज गए। और हम हमारी सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है अभी और लॉकडाउन लगा है भारत सरकार का। और आज 29 मई 2021 को हम आए हैं रिको। आओ देखते हैं कौन सा शॉप है। आइए ये ले लेते हैं। आओ ये ले लेते हैं ना। लो भाई दे है अभी मत करो, चुप होगा थोड़ी देर। वापिस जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको क्या है कि पिछले साल भी चीनू मेरा ऐसा ही था, इतना बड़ा देखा था, लेकिन वो अपने आया था नजर में। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत करो। नहीं बेटा छोड़ो मत, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको बड़े हिसाब से लेना पड़ता है क्योंकि देखो नाग है ये, रात देखो मामला। हाँ रात काल है। अब ये क्या कुत्ता बन रहा था गाड़ी पे, कुत्ते ने रोक लिया इसमें। ले लो ज़्यादा टेंशन मत लो, आप ऐसे करो एक बर्नी दे दो, खाली बर्नी एक साल हो गया हमारा छोटा बेबी है यार, लगभग इसके 8 से 9 महीने की उम्र है। अच्छा 8 से 9 महीने की उम्र है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा वही है जो उधर आया था ना पिछली बार, हमने पिछली बार खूब देखा, पर वो क्या अपन को मिला इससे बड़ा था वो। हाँ इससे थोड़ा ऐसा ही था। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और भाई साहब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और हम हमारी सेवा दे रहे हैं। वो नहीं थोड़े ऐसे छेद करेगा, सोडा लिया जाओ भाई साहब, चाय पिलाओ ना बढ़िया, इसमें छेद कर, सोडा इसी में छेद कर दे थोड़ा सा, थोड़ा सोडा ना बोलिए सुनो हो तो। रुको नहीं अरे आप करना नहीं है, नहीं अभी मत डालो इसमें, आप मत डालो, ये शांत होगा तो डालेगा, ये शांत करेगा वो, और ये छेद होएंगे, छेद होगा, पता ही नहीं चलता किस समय वाइट कर जाए, खड़ जाए, कोई पता नहीं। जाओ बेटा तुम दूर रहो, हमको तो क्या है इनके साथ काम करते करते साहब बरसों होगी, 18-19 साल हो गए। तो ये तो पकड़ ले मुंडी पकड़ ले, अभी टावर में गया जब चीचड़ा चेट रहा है, वो चीचड़ा छुड़ाया, पकड़ना पड़ता है चीचड़े, याद है ना वो चीचड़ा छुड़ाया था। हाँ क्योंकि इनके क्या खून पी जाता है वो, तो ये 4 से 6 महीने में फिर मर जाता है। तो हमारा काम इनको पकड़ के जंगल में छोड़ने का ही नहीं है, इनको बचाने का काम भी है। हाँ ला दो छोड़ो, लो छेद कर दो, नागिन है 2-4 छेद कर देगा अंदर है। अब ऐसे पता नहीं चलता कि छोटा बच्चा है, बेबी है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 महीने का है। और मैं आपसे धन्यवाद दूंगा भाई साहब हमारी रेस्क्यू टीम की तरफ से, और हमारा यूट्यूब चैनल पे रणथंभोर इसमें रणथंभोर सवाई माधोपुर चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे पूरी टीम की तरफ से। आपने संयम बनाते हुए और इस जीव को बचाने में बड़ा योगदान है आपका। 2 मिनट मार इसीलिए देखो रोका इसने, कुत्ते ने रोका, हमको तो पता है तुम सो गए अंदर, और पकड़ के बांधना। किसी भी जीव को मारना बहुत आसान है, परंतु उसका संरक्षण करना, उसका जीवन बचाना बहुत बड़ी बात होती है। जंगल में चले जाएगा, बस जंगल में चले जाएगा। देखो अपन मनुष्य है, अपन सामाजिक प्राणी है, और ये बेजुबान जीव है। ये शरीर को कैसे फुला रहा है देखो, जो शरीर इसका, तो ये क्या है कि बेजुबान प्राणी है, अपन सामाजिक जीव है, हमारा अपना पहला कर्तव्य बनता है। डर जाओगे प्यार प्रेम करुणा भाव और मदद की भावना होनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि अपन इंसान है, ये जरूरी है। वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं तो। लाओ ढक्कन दे दो, छेद तो नहीं होना ही, मैं बर्नी कर देना छोटा, साबुत तो है ना बर्नी, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बनवा चाय बना बढ़िया। चाय तो मत बनाओ। अरे नहीं चाय आधी आधी चाय पी के बना दे बेटा चार पर। हाँ विजय डेरी, विजय दूध डेरी, विजय दूध डेरी। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा रिकों इंडस्ट्रीज एरिया खैरदा से हमने रेस्क्यू किया है विजय डेयरी पे से। और हाँ विजय दूध डेयरी पे से हमने इसको रेस्क्यू किया है। और ज़्यादा उम्र नहीं है, ज़्यादा 9 से 10 महीने का बेबी कोबरा है। और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग जिसे बोलते हैं। और हम इसको छोड़ देंगे इसके पुनर्वास हेतु तो रणथंभोर के जंगलों में या इसके क्या कहते हैं रहने की जगह को मुताबिक देखते हुए, जिससे आगे का जीवन जिएगा। अभी इसके पास काफ़ी लंबा समय बचा है। और हम पुनः इन सबको फिर से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ऐसे जीवों को अक्सर देखते ही मार देते हैं लोग, परंतु हमारे सवाई माधोपुर में अब मारना बंद कर दिया है। ऐसे जीवों को बचाते हैं लोग। ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। क्योंकि हमारा मानना यह है कि मनुष्य के जीवन में जो खाद्य श्रृंखला है बनी हुई है ऊपर वाले की तरफ से बनाई हुई, उसमें एक चैन है जिसमें हर जीव का होना जरूरी है। अगर वो चैन बीच में से टूटती है, कोई गली कड़ी टूटती है, तो खाद्य श्रृंखला की में डिस्टर्बेंस होता है और उससे पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। इसलिए ऐसे जीवों को बचाए रखें। और लॉकडाउन चल रहा है भारत सरकार का, उसमें हमारी सेवा दे रहे हैं। तो हम मिलते हैं फिर इसकी रिलीजिंग में। जय श्री राम, जय बालाजी की जय, हिंद जय भारत। और घर से बोलेंगे हम सब मिलकर वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आ गए हैं हम जंगल, रणथंभौर का जंगल आ गए हैं टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। और लेके आए हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, बेबी कोबरा है। और मेरे साथ आज रेस्क्यू में धर्मेंद्र चौधरी साथ में है और दीपक रेवारी साथ में है और कैमरामैन हमारे पीयूष शर्मा बिट्टू। और आज हम चारों ही रेस्क्यू करके लाए थे विजय डेयरी से। और उनको फिर से हम से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसको बचाए रखा। और कोरोना काल चल रहा है, आज 29 मई 2021 को हम हमारी सेवा दे रहे हैं। और हम सेवा तभी देते हैं जब इमरजेंसी होती है। धर्मेंद्र चौधरी साथ में है। और हम सबसे यही कहते हैं कि कोरोना काल में हमारे लॉकडाउन चल रहा है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, तो उसमें सहयोग करें प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। वो हमारे लिए खड़े रहते हैं रात और दिन। हम लोग कूलर पंखों में रहते हैं और वो हमारे लिए ड्यूटी देते रहते हैं। तो प्रशासन का भी साथ दें और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। और जितना हो सके खुद समझें और दूसरों को समझाएँ। तो हम इसको छोड़ते हैं, जिससे ये इसका आगे का जीवन जिएगा। आइए दिखाओ, आओ जी दिखाओ, बात से दिखाओ, जा भाई जी लो तेरा जीवन। और जा, मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। जा जा इधर, जा इधर दिखाओ भाई, पास से दिखाओ, दिखाओ इधर, जा जा उल्टा जा रहा, तुझे यहाँ उल्टा के जा रहा दादा भाई, इधर जा ना, दिखा भाई दिखा, सीधा इधर दिखा, हाँ जा जा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जा, मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। आराम जियो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने इस जीव को छोड़ दिया है, दिल को बड़ा सुकून है, तसल्ली मिली। और हर जीव मनुष्य के लिए है, हर जीव ज़रूरी है इकोसिस्टम में हमारे, ये हर जीव ज़रूरी होता है। और हमारे पर्यावरण के लिए भी हर जीव ज़रूरी है। इसलिए मैं यही कहूँगा, जियो और जीने दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी जीव की जान बचाते हुए, किसी रेप्टाइल की, किसी नाग की, किसी सांप की, किसी गौर्रे की। और उन परिवारों का भय दूर करते हुए, उनको डर से दूर करते हुए, जिनके बीच में ये भूले भटके जीव आ जाते हैं। तो मिलते हैं फिर, जय सिया राम, जय बालाजी, जय हिंद जय भारत। और जब से बोलेंगे वंदे मातरम, जय सिया राम।